वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। देखिए 4.2 शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक देख लें, क्योंकि हमारे अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना तो एक भी क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपसे बार बार एग्जाम में ही पूछा जाएगा कि ये दे देगा एक समीकरण, द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितना है, दो ठो है, पावर सबसे बड़ा दो ही ना है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब पूछेगा इस समीकरण का, कभी पूछेगा मूल निकालिए, ठीक है, कभी पूछ सकता है शून्यक निकालिए, ठीक है, या फिर पूछेगा इंग्लिश वालों के लिए बोलेगा रूट्स निकालिए, या फिर क्या निकालिए, जीरोज निकालिए। अगर कुछ भी पूछेगा इसका मतलब होता क्या है आपको बता दें, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या निकलता है, एक्स का मान निकलता है, और पावर जितना रहता है ना उतना ही एक्स का मान निकलता है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मान लीजिए कि पावर दो गए तो दो गो एक्स का मान निकलता है, तो जो एक्स का मान निकलता है ना इसी को हम लोग कहते हैं मूल। जब भी बोले कि इसका मूल निकालिए तो एक्स का मान निकाल दीजिएगा, या बोले शून्यक निकालिए तो एक्स का मान निकाल दीजिएगा, हो गया। यही इसमें बस एक पढ़ना है, जब भी किसी क्वेश्चन में बोलेगा इस टाइप के द्विघात समीकरण में कि निम्नलिखित समीकरण का मूल निकालिए, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ जनरली कुछ नहीं करना है, मूल निकाल देना है, एक्स का मान निकाल देना है, और जितना पावर रहेगा उतना ही एक्स का मान निकलेगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे और हम लिख रहे हैं इसका, ये जो समीकरण है का क्या निकालना है, मूल निकालना है, मूल निकालें। तो अब बताइए कि इसका मूल निकालना है तो हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट क्वेश्चन, ये कैसे बनता है, यानी कि गुणनखंड विधि ये होता क्या है, गुणनखंड विधि से या फर्स्ट इंटू लास्ट दोनों एक ही हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए तो तीन दुना कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। आई जो गुणा करते हैं इसको हम लोग ऐसे फैक्टर करके देखें, दो तिया छः, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके मन ही में रख लिए छः आया। बीच वाले को ऐसा दो हिस्सा में तोड़ते हैं कि वह दोनों को गुणा करने पर, पहला और दूसरा को गुणा करने पर क्या आ जाए, छः आ जाना चाहिए। इसको गुणा किए तो कितना आया, छः आया। ईद को दो हिस्सा में तोड़ो, आई दो हिस्सा में ईद दोनों को भी गुणा करने पर कितना आना चाहिए, छः। तो देखिए अगर हम यहाँ लिखे 2x और यहाँ लिखे 3x तो तीन में दो से तो तीन दूना 6x होगा कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x, सॉरी मतलब ये वाला हो जाएगा 6x, और दोनों को फिर जुड़ेगा 3 और 2 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे करना है, सबसे पहले यहाँ 2x² लिख दीजिएगा, प्लस यहाँ लिखिएगा 2x + 3x, अब प्लस में ये उतार दीजिएगा 3, इसी को ये तोड़े हैं, 3 दूना 6 भी आ जा रहा है और 3 और 2 5x भी आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कुछ एक जैसा कॉमन मिल रहा है, यहाँ दोनों में देखिए तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, 2 बाहर निकाल लीजिए, इसमें भी x है, इसमें भी x बाहर, तो यहाँ का बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ 2x बाहर निकल गया पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या बचता है, 1 बचता है। ये दोनों में सिर्फ 3 कॉमन मिला है तो x यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। गुणनखंड विधि यानी फर्स्ट इंटू लास्ट का रूल क्या होता है, ये दोनों अगर सेम आ गया तो समझिएगा आपका सही है। हमको निकालना है मूल यानी x का मान, तो देखिए ये दोनों सेम है तो एक बाहर वाला लिखिए 2x + 3, दोनों एक जैसा है तो कोई एक ठो अंदर वाला लिख दीजिए x + 1, आई सबके बराबर में 0 दिया है तो 0 दे दीजिए। हमको निकालना है x का मान, तो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, 2x + 3 = 0, तो 2x है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, आई ये आ जाएगा बट्टा में x = -3/2, ठीक है। एक बार इसको कीजिए x + 1 = 0, x = -1, प्लस में नहीं जाएगा तो -1। तो यहाँ पे देखिए तो x का मान दो ठो निकला, तो ये क्या है, इसी को तो मूल कहते हैं। x के मान को मूल कहो, शून्य कहो, रूट्स कहो, जीरोज कहो, सब एक दूसरे का भाई भतीजा लगेगा, यानी सब एक वही चीज है, सेम है, ठीक है। तो बताइए कभी भी मूल पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, बस x का मान निकाल देना है। अब देखिए x का मान कितना आया है, 2 ठो आया है, पता है क्यों 2 ठो आया है, क्योंकि पावर यहाँ पे कितना है सबसे ज्यादा x का, 2 है। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो x का मान 3 रहता, पावर 4 रहता तो x का मान 4 रहता। अब पूछा जाएगा मूल किस पर डिपेंड करता है, तो उसके पावर पर डिपेंड करता है, जो ऊपर घात रहता है ना, जितना घात होगा उतना ही मूल होगा यानी x का मान होगा। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं अब फर्स्ट नंबर 4.2 का क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या निकालना है, यहाँ देखिए तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालिए, रूट निकालिए। रूट का मतलब, रूट्स का मतलब क्या होता है, मूल निकालिए। क्या निकालिए, मूल। मूल बोले, रूट्स बोले, शून्यक बोले, निकालना है आपको एक्स का मान। किसका मान निकालना है, एक्स का मान, कौन से विधि से, तो फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से निकालना है, यानी बीच वाला को तोड़ना है। लेकिन पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, यहाँ पहला देखते हैं, 10 में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो 10x² हो जाएगा, ठीक है। अभी 10 को दो हिस्सा में तोड़िए,
ठीक है, तो दो पचे दस, यही ना टूटा, फिर पांच एकम पांच, क्या क्या आया, दो और पांच आया। अब देखिए ये खुद ऑटोमेटिक अपने से ही लकली ये टूट जाता है, वैसे ही टूटता है जैसे यहाँ पे बनना होता है एक्स स्क्वायर। बीच वाले को ऐसे दो हिस्सा में तोड़िए, ठीक है, तो कैसे पता चलता है, तो जो इसका हम लोग फर्स्ट लास्ट करके इसका हम लोग जो है फैक्टर किए हैं ना, यही तो दो हिस्सा है। तीन पाँच में से दो जाएगा तो तीन गो आ जाएगा, अब पाँच में दो से गुणा करने पाँच दो ना दस भी आ जा रहा है, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले पाँच लिखेंगे क्योंकि बड़ा वाला पाँच है, तो पाँच एक्स और प्लस में दो एक्स, पाँच एक्स में से दो एक्स जाएगा तो कितना, माइनस में तीन एक्स, अब पाँच दो ना फिर कितना आ जा रहा है दस। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुणा करें तो दस आ जाए, फिर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाए, थ्री आ जाए। लेकिन हम लोग खुद से नहीं तोड़ते हैं, ये जो गुणा किए ना इसी को तोड़ेंगे ना, जो बच जाएगा वही इसका हिस्सा हो जाता है, ठीक है, अपने से। ये प्लस में क्या, माइनस में क्या है, दस है। अब ये हटा दें हम इसको, अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये बराबर में जीरो, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है एक जैसा, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे x बाहर निकले, तो यहाँ x माइनस पाँच बचेगा, ये दोनों के में दो का पहाड़ा मिल रहा है, तो जब दो निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और दो के पहाड़ा कब आ रहा है, दस, तो दो पचे दस बराबर में जीरो। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो आप सही जा रहे हैं, सही ट्रैक ट्रैक पकड़े हैं, ठीक है। एगो बाहर वाला लिखिए एक्स प्लस दो, एगो अंदर वाला लिखिए एक्स माइनस पाँच, बराबर में क्या हो गया जीरो। तो अब एक बार इसको जीरो के बराबर कीजिए, एक्स प्लस दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस दो, इसको लिखिए एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस में पाँच, तो एगो ये निकला एगो ये निकला, इसी को बोलते हैं रूट्स, एगो रूट्स माइनस टू हुआ एगो फाइव हुआ। अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही बात, छः दूना कितना बारह, बारह, अब इसको दो हिस्सा तोड़िए, दो छक बारह, दो तिया छः, तीन एकम तीन। लो भाई यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा समझिएगा, ये वाला टूटा था दो ही हिस्सा में, फिर इसको हम लोग तोड़ दिए, यहाँ तो तीन हिस्सा में टूट गया ना, तो जब तीन हिस्सा में टूटा हुआ तो ये दोनों को साथ में कर लीजिए, तो दो और दो कितना हो जाएगा चार, यहाँ पे क्या है तीन, तो चार में से अगर तीन घटाओगे ये पूरा दोनों हो जाएगा चार, दोनों को मिला के चार में से तीन घटाओगे तो एक, और चार में तीन से गुणा करोगे तो फिर क्या आ जाएगा बारह आ जाएगा, तो ये भी वैसे ही तोड़ दीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस तीन एक्स, ये जो बचा है वो उतार दीजिए, इसको हम तोड़े हैं, चार एक्स में से तीन गो एक्स चला जाएगा तो एक गो एक्स बचेगा, तो यहाँ पे एक गो एक्स लिखा है ना, अब जरूरी नहीं है कि एक एक्स ऐसे लिखा है, ठीक है, और उसके बाद से चार तीन कितना हो जा रहा है बारह भी हो जा रहा है, दोनों में कुछ मिल रहा है दो और एक्स कॉमन मिल रहा है, तो दो एक्स निकलेगा तो अकेले एक गो एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे दो दूना चार बचेगा, समझ में आई कैसे कॉमन हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दोनों में से दो का पहाड़ा मिला दो निकाल दिए, एक्स मिला एक्स निकाल दिए, इसमें देखिए माइनस में तीन निकाली क्योंकि इसमें भी माइनस है इसमें भी, तो जैसे माइनस निकालते तो सब सिंबल बदल जाता है, ये भी हो जाएगा प्लस में एक्स, और तीन का पहाड़ा कब बार में छो दो बार में, ये दोनों बराबर आ गया ना, तो जब बराबर आ जाता है तो समझिए सही जा रहे हैं, टू एक्स माइनस थ्री ये बाहर वाला हो गया, आई दोनों में से कोई एक ठो अंदर वाला लिख दीजिए, जीरो के बराबर कीजिए, टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में तीन, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे तीन बट्टा दो, एक ठो ये निकला स्क्वायर है ना, घात कितना है दो, तो इसका रूट्स भी दो, जीरो दो निकलेगा। अब देखिए यहाँ एक कीजिए x प्लस दो बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस दो, तो ये भी निकल गया, यही तो रूट्स है जिसको हम लोग मूल बोलते हैं, तो मूल निकाल दे, मूल किसे कहते हैं, एक्स के मान को हम लोग मूल कहते हैं, सिंपल। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिना देर की हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोग हम लोग थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वही बात है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिए, लेकिन ध्यान से यहाँ पे गुणा कीजिएगा, देखिए कैसे, फर्स्ट और लास्ट को जब आप गुणा कीजिएगा तो यहाँ है आपका अंडर रूट टू इन टू, ये है फाइव रूट टू, जब गुणा कीजिएगा तो ये दो में दो से तो दो दूना चार, चार का वर्गमूल क्या होता है दो होता है, यानी कि यहाँ दो बचेगा, ये दोनों को गुणा करने पर क्या आया दो बचा, एक ऑलरेडी पाँच है तो पाँच दूना कितना हो जाएगा दस, समझ में आया, फर्स्ट और लास्ट को गुणा किए तो क्या आंसर आया दस, कैसे किए तो दो दूना चार हो गया, तो रूट में ना चार हुआ तो चार का वर्गमूल क्या होता है दो, इन दोनों से हमको सिर्फ दो मिला, पाँच पहले से था, पाँच दूना कितना हो गया दस, ये फर्स्ट इंटू लास्ट दस, बीच वाला को ऐसे तोड़ना है दो हिस्सा में कि क्या आ जाए दस आ जाए, ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि कैसे तोड़ना है, दो से जब तोड़िएगा तो दो और पाँच ये क्या हो जाएगा पाँच और दो कितना हो जा रहा है सात, अब पाँच में दो से गुणा करें तो क्या हो जाएगा दस, तो वही बात है, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या लिखिए दो एक्स प्लस पाँच एक्स, वैसे यहाँ रूट टू इसको तोड़े हैं, जो इधर है वो तो हम लोग उतारेंगे ना, पाँच रूट टू अब बराबर में जीरो,
यहां देखिए हम क्या किए हैं, ये उतार दिए हैं, इसको दो हिस्से में तोड़े हैं, तो पांच दूना दस, ये जो आया था इसको तोड़े थे तो दस ही ना आया था, गुणा किए थे तो, और ये वैसे ही उतार दिए। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे रूट टू है और यहाँ पे सिर्फ टू है, यहाँ कॉमन सिर्फ एक से मिलेगा, लेकिन एक आप काम कर सकते हैं, आप अगर इसको लिखना चाहें दो को तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट टू इंटू रूट टू, क्यों, दो में दो से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, रूट चार, और रूट चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है। अब पूछिएगा सर आपके दिमाग में ये बात कैसे आया कि दो को हम रूट टू इंटू रूट टू लिखेंगे। आप बाबू सोचिए कि आगे ये दो ठो नंबर है, इसमें से हमको कॉमन निकालना है, ठीक है, यहाँ रूट टू है, यहाँ सिर्फ दो है, तो हम देखें कि क्या इसको हम रूट टू बना सकते हैं, यही ना उपाय है, तो रूट दो को हम लोग रूट टू जरूर बना सकते हैं, दो बार रूट टू और रूट टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो उतार दिए, इसको लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं प्लस रूट टू इंटू रूट टू एक्स, ठीक है, इसको हम लिखे हैं ये दो हिस्सा में, टू एक्स को लिखे हैं रूट टू इंटू रूट टू, अब प्लस में पाँच एक्स प्लस, ये वैसे ही उतार दीजिए, पाँच रूट टू बराबर जीरो। अब इनमें देखिए ये दोनों में कोनो कॉमन मिले, ये दो ही हिस्सा है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, अब दोनों में क्या मिला, तो रूट टू इसमें भी, रूट टू इसमें भी, रूट टू बाहर हो गया, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एगो एक्स बाहर हो गया, तो यहाँ बचा एक ठो एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, जब इसमें से रूट निकल गया आई एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका रूट टू, ये दोनों में कॉमन निकालिए, तो निकलेगा पाँच, तो यहाँ बचेगा एक्स, और पाँच निकल गया तो रूट टू बराबर जीरो। ये देखिए तो दोनों बराबर आया है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर आया है, ठीक है, तो एक ठो बाहर वाला लिखो टू एक्स प्लस पाँच, ये लिखे हैं टू एक्स प्लस पाँच, ये दोनों में से कोई एक लिख दो एक्स प्लस रूट टू। निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है रूट्स यानी कि मूल, एक्स का मान निकालना है, तो निकालिए टू एक्स प्लस पाँच बराबर कर दिए, इसको जीरो के बराबर किए हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में पाँच, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पाँच बटा रूट टू, ठीक है। अगर इसका आप परमेकरण करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, एक्स का मान इतना ही हो जाएगा, अन्यथा तो परमेकरण भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक्स प्लस रूट टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस में रूट टू, इसका परमेकरण का मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, परमेकरण का मतलब होता है कि माइनस पाँच बटा रूट टू आया है ना, तो यही चीज़ ऐसे सेम लिख देते हैं, पाँच में कीजिएगा रूट टू से तो कितना हो जाएगा, पाँच रूट टू, आई दो दूना चार, चार का ऐसे चार होगा ना रूट में, चार का वर्गमूल कितना होता है तो दो, तो यहाँ पाँच रूट दो और बटा में दो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो इतना ही पर छोड़ दीजिएगा, तो इसका भी कितना, दो ठो मूल निकल गया। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बिना देर के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। अब देखिए यहाँ पे फास्ट थोड़ा सा चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका चार है ये थोड़ा सा उटपटांग है, मान लीजिए कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो ये बटा में आएगा, एक काम ना कीजिए, बटा का अगर जोड़ घटाव आता है तो वही कर लीजिए, नीचे से इसका झंझटे खत्म हो जाएगा, ये आराम से आ जाएगा, बटा एक यहाँ भी मानिए बटा एक, सबका लघुत्तम निकालिएगा तो आठ होगा, ये हो जाएगा भाग दीजिएगा तो आठ, आठ दूना सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स आ प्लस में एक बराबर जीरो, जब बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा, ये बटा का हम जोड़ किए हैं, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस वन बराबर गुणा होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब बस सोलह में एक से गुणा, फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ दीजिए, ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो आएगा सोलह में एक से तो सोलह ही, आठ को दो हिस्सा में ऐसे तोड़िए कि गुणा करे तो क्या आ जाए, सोलह, और फिर जोड़े घटाए तो आठ आ जाए, तो चार एक्स, आइए चार एक्स हो जाएगा कि नहीं, चार चौका सोलह, चार गो आठ गो हो जाएगा, इसको तोड़े तो ये आया, बाकी ये दोनों हम उतार दिए, समझ में आया क्या किए, इसको वैसे ही उतार दिए हैं, आठ को तोड़े हैं दो हिस्सा में, चार और चार, इसको भी वैसे ही उतार दिए हैं, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, देखो इसमें भी चार का पहाड़ा मिल रहा है, एक है, चार का पहाड़ा कई बार में सूरज, चार बार में आ जाएगा, चार एक्स और माइनस में एक, इसमें कॉमन लीजिए माइनस एक, तो हो जाएगा ये चार एक्स माइनस में वन। अब देखिए ये दोनों बराबर कैसे है, जब इसमें माइनस एक कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, एक कॉमन लेने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही नंबर जो भी है वहाँ पे रह जाएगा। एगो बाहर वाला लिखिए चार एक्स माइनस वन, चार एक्स माइनस वन, एगो अंदर वाला लिखिए चार एक्स माइनस वन। अब मान लीजिए कि अब दोनों बराबर आ गया तो ये तो इसका लक है ना कि बराबर आ गया, एक बार इसको जीरो के बराबर कीजिए, तो चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो चार एक्स बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में वन, और x बराबर एक बटा चार हो गया, एक मान आया x का एक बटा चार, इसका भी वही आएगा चार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो चार एक्स यही है बराबर क्या हो जाएगा वन, तो x बराबर
एक बटा चार। तो इसका भी मूल क्या आया, सेम आया, मूल का मतलब क्या रूट्स आया, रूट्स किसको कहते हैं, एक्स के मान को कहते हैं। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं इसमें का फाइव नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसान है, ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे, तो एक में सौ से गुणा तो सौ होगा, बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा दोनों को करने पर सौ आ जाए और दोनों को जोड़े तो आ जाए बीस, जोड़े या घटाएं जो भी करना है। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ लिख दो सौ एक्स स्क्वायर, बीस है ना, दस एक्स माइनस दस एक्स, माइनस में दस को माइनस में दस को माइनस में बीस को हो जा रहा है और दस दहियाँ सौ भी हो जा रहा है, ठीक है, प्लस में वन, दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, दस का पहाड़ा मिलेगा और एगो एक्स मिलेगा, दस का पहाड़ा कब बार में सौ, दस बार में, और एगो एक्स बाहर निकल गया तो एगो एक्स बचा माइनस, यहाँ दस एक्स निकल गया। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में से कुछ चीज मिले तो निकाल दिया, एक ही बार लिखते हैं, नहीं कि इसका इसका दो बार लिखे दस, ऐसा नहीं, एक ही बार बाहर लिखते हैं, यहाँ बचेगा एक, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो एक निकाल लो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस निकला है तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों सेम आ गया। नहीं समझ आया ये वाला, देखिए ध्यान से, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला तो एक, कुछ तो कॉमन निकालेंगे, एक निकालें, लेकिन देखिए ये वहाँ प्लस है तो एक काम के इसमें से हम माइनस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो माइनस एगो ऐसा मनहूस नंबर है ना कि कॉमन जैसे माइनस होगा तो सब सिंबल वा बदल जाता है, तो माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस होता तो प्लस कर दिए, आई प्लस था तो माइनस, अब प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, एगो बाहर वाला लिखिए तो दस एक्स माइनस वन, और एगो अंदर वाला लिखिए दस एक्स माइनस वन, इसका भी रूट्स निकल जाएगा, बराबर में सब में क्या लिख दीजिए जीरो, ये आपको नहीं बनाना है, दोनों को बराबर कीजिए, दस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो दस एक्स बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में वन, एक्स बराबर एक बटा दस, वैसे ये वाला कीजिए दस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो दस एक्स बराबर प्लस वन, एक्स बराबर वन बटा दस, तो दो ठो एक्स का मान निकला, लेकिन खुशी की बात ये है, खुशखबरी ये है कि दोनों का मान क्या निकला, सेम निकला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।